ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन स्त्री को ही सजा मिलती है। स्त्री हो पुरुष हो सबको ही सजा मिलती है। कर्म का फल सबको ही मिलता है, ये हमने नहीं देखा है। हम एक शास्त्र हमारे गर्व पुराण के अनुसार कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्त्री को या पुरुष को ऐसी कठिन सजाएं मिलती है, लेकिन देखा किसने है? कई लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। मरना है मर जाएंगे, आगे की किसने सोचा है? तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी सत्य भी साबित होती है कि किसने देखा है, कौन देख कर आया है, किसी सजा मिलती है। लेकिन हमारे शास्त्र जो हैं वो झूठे नहीं हो सकते हैं। स्त्री को सजाएं मिलती है तो पुरुष को भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन स्त्री को सजाएं मिलती है हमारी नजर में, उसकी नजर में गलत जो है उसे ही सजा मिलेगी। हमारी नजर में तो वो बहुत बुरी है, चरित्रहीन है, लज्जाहीन है, उसने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के घर सात पीढ़ी और सात जन्म का हिसाब किताब होता है, उसने क्या तो अच्छा किया और क्या उसने बुरा किया। आइए जानते हैं स्त्री को क्या क्या सजा बताई है। तो मैं बताता हूं आपको कि जो स्त्री अपने पति को मरवा देती है या जान से खुद ही मार देती है, उस स्त्री को मलमूत्र और खून की नाली में फेंक दिया जाता है, जहाँ कीड़े उसकी जान को अति कष्ट देते हैं। उसे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, और वहीं उसे जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं होती है तब तक उसे वहीं रखते हैं। दूसरी बात, जो स्त्री एक पति का इस्तेमाल करती है, अपने पति का कोई मोल नहीं समझती है, उस स्त्री को नग्न अवस्था में दोनों हाथों में लोहे की खील ठोंक कर और नग्न अवस्था में लटका दिया जाता है, और वो बहुत तड़पती है, उसे बहुत दुख होता है, और चाकू से उसके शरीर की जो खाल है, जो चमड़ी है, उसे उतार दिया जाता है, उसे बहुत दुख होता है। प्राण वहां नहीं निकलते हैं, सिर्फ वहां इतना होता है कि यहाँ आदमी कष्ट होने पर मर जाता है, वहां मरता नहीं है, वहां तड़पता है। तीसरी बात, स्त्री की बताते हैं कि जो स्त्री पति की इज्जत नहीं करती है, पति को एक कुकर की भांति समझती है, पति के होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, जो अपने पति की इज्जत नहीं करती है, अपनी संतान की इज्जत नहीं करती है, अपने सास ससुर यानी माता पिता जो होते हैं उनकी इज्जत नहीं करती है, अपने तमोगुण और अपने अभिमान में एक सबका परिवार का वो सर्वनाश करती है, उस पत्नी को, उस स्त्री को सजाएं ऐसी मिलती है। उसकी यम दूत जो होते हैं वो उसकी जाति को बिगाड़ देते हैं। उसने जो भी कर्म जिस अंग से किया है उस अंग में उसे कष्ट देते हैं। कहते हैं कि स्त्री के लिए, अरे स्त्री के लिए नहीं, शास्त्र चाहे स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, अगर दुष्ट कर्म जिसने भी किए हैं उसकी सजा उसे मिलती है। ये स्त्री पर लागू नहीं, ये सब पर लागू होती है। श्री राधे राधे, गोविंद राधे।